मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्दी उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि
कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हां। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए।